हेलो फ्रेंड, मायसेल्फ अमित, आपका प्यारा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेज न्यू मंत्र फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। सेकंड थिंग्स वो भी 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है भूगोल। अब भूगोल के जो टॉपिक है वो है सौरमंडल, जिसका मैंने 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले के दिनों में कर चुके हैं और आज भी मैं सौरमंडल से 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में करेंगे। चलिए अपनी सेशन की शुरुआत एक प्यारी सी छोटी सी मोटिवेशनल चीज के साथ करते हैं। और ये छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल कीज आपके स्क्रीन पे ये रहा। वक्त की कीमत कोई उस अखबार से पूछे, वक्त की कीमत कोई उस अखबार से पूछे, दिन बीत जाने के बाद जिसकी कोई कीमत नहीं होती। चलिए इस छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल कीज के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पे 20 क्वेश्चन 20 मिनटों का ये सवाल आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 1, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेते हैं? सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेते हैं? चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे प्यारे दोस्तों आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 8.3 मिनट लेता है। चलते हैं अपनी अगली प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 2, विच प्लानेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? विच प्लानेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? चलिए इसका ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बुध। चलते हैं अपनी अगली प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर इन मर्करी कॉन्स्टेलेशन? चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स? ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए मंगल तथा शुक्र, ऑप्शन बी बुध तथा शुक्र, ऑप्शन सी मंगल तथा बुध, ऑप्शन डी वरुण तथा प्लूटो। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बुध तथा शुक्र।
चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑर्बिट्स द सन इन द शॉर्टेस्ट टाइम? ऑप्शन सी इज देयर, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बुध। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 6। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज ऑलमोस्ट एज बिग एज द अर्थ? ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी यम। हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शुक्र। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 7। सबसे चमकीला ग्रह है, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। हम मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शुक्र। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 8। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ? ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए शुक्र, वेनस। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा का नाम से जाना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्टार ऑफ डॉन? ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शुक्र। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? Which one of the following is known as star of dawn? Option is there, option A बुध, option B शुक्र, option C मंगल, option D शनि। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया लगता है, कोई बात नहीं, चलते हैं कर लेते हैं। स्टॉप, समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शुक्र। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 11। सुपरनोवा इज ऑप्शन देयर, ऑप्शन ए एक गढ़िका, ऑप्शन बी एक ब्लैक होल, ऑप्शन सी एक उच्छल तारा, ऑप्शन डी एक मृत प्राय तारा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका सही आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
एक मृत प्राय तारा, ए डेड स्टार। चलते हैं अपने अगली प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये रहा प्रश्न संख्या 12। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द नॉर्थ पोल? ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए रॉबर्ट पेरी, ऑप्शन बी ए मंडसेन, ऑप्शन सी तस्मान, ऑप्शन डी जॉन केवार्ट। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवालों को जवाब देते रहिए। 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रॉबर्ट पेरी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये रहा प्रश्न संख्या 13। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल? ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए मैगेलन, ऑप्शन बी अमेरिगो वेस्पुची, ऑप्शन सी पीरी, ऑप्शन डी ए मंडसेन। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एम डेंसन, जो कि साउथ पोल पे पहला व्यक्ति पहुंचने वाले थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यह रहा प्रश्न संख्या 14। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? व्हाट काउज स्टार्स टू बी मोर विजिबल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, ऑप्शन बी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ऑप्शन सी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, ऑप्शन डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, अर्थ इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यह रहा प्रश्न संख्या 15। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? विच प्लानेट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लानेट? ऑप्शन इज देयर अर्थ, ऑप्शन बी सनी, ऑप्शन बी सनी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए पृथ्वी, बहुत इजी प्रश्न था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यह रहा प्रश्न संख्या 16। पृथ्वी स्थित है, अर्थ इज लोकेटेड, ऑप्शन ए शुक्र एवं मंगल के मध्य, ऑप्शन बी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, ऑप्शन सी शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, ऑप्शन डी बुध एवं शुक्र के मध्य। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। गर्मी काफी है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शुक्र एवं मंगल के मध्य में है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यह रहा प्रश्न संख्या 17। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऑन विच डे इज द अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन? ऑप्शन ए 4 जुलाई, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 3 जनवरी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 20 क्वेश्चन 20 मिनटों का गेम खेलते रहिए, मजा आएगा। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 3 जनवरी। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यह रहा प्रश्न संख्या 18। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है,
अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ऑप्शन इज देयर. ऑप्शन ए 30 जनवरी को, ऑप्शन बी 22 दिसंबर को, ऑप्शन सी 22 सितंबर को, ऑप्शन डी 4 जुलाई को. चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड. स्टॉप, आपका समय समाप्त. इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 4 जुलाई. चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर. अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा प्रश्न संख्या 19. सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बहुत इजी से प्रश्न है. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन? ऑप्शन इज देयर 107.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 142.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 146.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर. चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड. स्टॉप, आपका समय समाप्त. इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 149.6 मिलियन किलोमीटर. चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर. अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा. ये प्रश्न जो वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा और ये प्रश्न संख्या 20. अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? इन व्हाट टाइम डज द अर्थ कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स एक्सिस? ऑप्शन इज देयर. ऑप्शन ए 24 आवर्स, ऑप्शन बी 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड, ऑप्शन सी 23 आवर्स 30 मिनट, ऑप्शन डी 23 आवर 10 मिनट 2 सेकेंड. चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड. स्टॉप, आपका समय समाप्त. इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 23rd आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड. चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ने ज्योग्राफी से सौरमंडल के टॉपिक से हम लोग 20 क्वेश्चंस 20 मिनटों में किए. अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे पॉलिटी और बायोलॉजी, जो जीएस में बायोलॉजी होंगे कल के प्रश्न में, और कल की शाम की प्रश्नों में होंगे पॉलिटी का. 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में करेंगे. चलिए अगर हमारी ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो का आपके तक पहुंच जाए. टेक केयर, बाय बाय.